सिंथेसिस ऑफ फ्यूरोसेमाइड। तो इस वीडियो में हम फ्यूरोसेमाइड की सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से देखेंगे कि भाई सिंथेसिस होती कैसे है फ्यूरोसेमाइड की। देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, बेंजीन की रिंग बनाई, ठीक। और बेंजीन की रिंग पे क्या करता हूँ मैं, COOH ग्रुप लगाता हूँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाता हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा बेंजोइक एसिड। क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सेकंड पोजीशन पे एक क्लोरीन लगा देता हूँ और इसकी इस पोजीशन पे दूसरा क्लोरीन लगा देता हूँ। अब याद रखना भाई, नंबरिंग जो आप करोगे वो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस दोगे तो 1, 2, 3, 4, तो भाई सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे है क्लोरीन ग्रुप, ठीक। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इसका हो गया 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। समझ आया क्यों इसका नाम पड़ा 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसी कंपाउंड की 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हम आगे, किससे, दो चीज़ों से करवाएंगे। पहली हम करवाएंगे क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, CLSO2OH, क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और दूसरा हमें करवाना है अमोनिया से, NH3, ठीक है। दो चीज़ों से रिएक्शन करवाएंगे हम इसकी। तो अब देखो, रिएक्शन होगी तो इसमें होगा क्या, COOH ग्रुप हमारा यहाँ पे है, बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। क्लोरीन ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है, एज इट इज़ रहेगा। फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन है, वो भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमें याद रखना है कि ये जो हमने पहले करवाई है क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये क्या करेगा, ये अपना ग्रुप ट्रांसफ़र कर देगा। कौन सा ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा, ये करेगा अपना CLSO2 ग्रुप, ठीक है। OH निकल जाएगा केवल यहाँ से, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CLSO2 ग्रुप। कौन सा, CLSO2 ग्रुप, ठीक। तो ये ग्रुप आ गया यहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, ठीक। तो पहली रिएक्शन में तो भाई ये होना है। अब सेकंड में क्या होना है कि जब अमोनिया रिएक्ट करेगा ना, जब अमोनिया रिएक्ट करेगा तो NH3 जब रिएक्ट करेगा तो अमोनिया में से एक H, क्या, एक H अपना Cl लेके भाग जाएगा, एक H Cl लेके भाग जाएगा, तो HCl निकल जाएगा, ठीक है। जब अमोनिया रिएक्ट करेगा तो अमोनिया जब रिएक्ट करेगा तो HCl निकल जाएगा, तो और क्या बनेगा, यही कंपाउंड हमारा चेंज हो जाएगा, किस में, ये कंपाउंड कुछ इस चीज़ में चेंज हो जाएगा हमारा, जिसमें भाई COOH यहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड पे क्लोरीन है, फोर्थ पे हमारा क्लोरीन है, फिफ्थ पे क्या आ जाएगा, फिफ्थ पे भाई Cl निकल गया था H के साथ, और अपना NH2 ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा NH2SO2, ठीक है। इसका नाम होता है एक, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होगा हमारा 2,4-डाइक्लोरो, 2,4-डाइक्लोरो, क्योंकि दो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है तो 2,4-डाइक्लोरो, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, ये जो फिफ्थ पोजीशन पे ग्रुप है इसको बोलते हैं हम सल्फोमाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, सल्फामाइल, तो इसको बोलेंगे सल्फामाइल, ठीक है। 2,4-डाइक्लोरो सल्फामाइल बेंजोइक एसिड, क्या, बेंजोइक एसिड। तो आपको समझ आया यहाँ तक कि भाई किस तरीके से हुआ, कुछ नहीं भाई, ये जो अब हमारा क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड है इसने क्या करा, इसने CLSO2 ग्रुप ट्रांसफ़र कर दिया। अमोनिया जब रिएक्ट करेगा तो अमोनिया में से एक H Cl को लेके भाग जाएगा, ठीक है, और NH2 ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या NH2SO2 ग्रुप आ गया यहाँ पे, सेम वही चीज़ है, ठीक। अब इसकी जो 2,4-डाइक्लोरो5-सल्फोमाइल बेंजोइक एसिड जो बना है, अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, फरफराइल के साथ, किसके साथ, फरफराइल के साथ। तो देखो, फरफराइल जो होता है वो हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है, कुछ ये है फरफराइल, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, 5-मेंबर्ड फरफराइल है। अब इसकी फर्स्ट पोजीशन पे, यानी इस वाली पोजीशन पे क्या होगा, एक CH2 ग्रुप होगा और एक NH2 ग्रुप होगा, एक CH2 और NH2 ग्रुप होगा, ठीक। अब ये चीज़ जब इसके साथ रिएक्ट करेगी, ये चीज़ जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, इसमें से जो NH2 है ना, जो NH2 है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और वो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन को लेके भाग जाएगा, किस वाले क्लोरीन को, इसको लेके भाग जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, अब आपको इस पर गौर करना है कि जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे COOH प्रेजेंट है इस वाले में, ठीक है,
यहाँ पे भी सी एल रहना है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप रहना है सल्फोमाइल वाला एन एच टू एस ओ टू, ठीक है। इस पोजिशन पे से सी एल को लेके भाग जाएगा इसका हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे बच्चा हुआ यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, एक हाइड्रोजन बच गया, तो एन एच सी एच टू, एन एच सी एच टू, और ये वाली रिंग हमारी बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, आ गई, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बन गया इसको बोलते हैं हम फ्यूरोसेमाइड। क्या बोलते हैं? फ्यूरोसेमाइड। ये है हमारी फ्यूरोसेमाइड की सिंथेसिस, कि फ्यूरोसेमाइड कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। तो ये हमारा फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड क्या होता है? हमारा डायूरेटिक होता है, डायूरेटिक होता है, जो कि भाई यूरिनेशन में ज़्यादा ही मदद करवा देता है कुछ, ठीक है, डायूरेटिक होता है, ये हमें याद रखना है। तो ये थी भाई हमारी सिंथेसिस ऑफ फ्यूरोसेमाइड की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।